हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर क्लास 8 मैथ्स का एक्सपांशन फार्मूला का सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन में हमको एक्सपांड करना होता है, एक्सपांड। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे, और बहुत सिंपल सा तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। सिर्फ बने रहिए आखिरी तक के। अभी देखो, यहाँ पर दो ब्रैकेट है, आपको सिर्फ दो ब्रैकेट देखना है। ये पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। दो ब्रैकेट एक दूसरे के बाजू में लिखी हुई है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा। प्लस माइनस उनके बीच में कुछ नहीं है, प्लस माइनस डिवाइड कुछ नहीं है, तो क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते? पहले आपको, ठीक है, आपको दो ब्रैकेट दिख रही है, हाँ। अब उसके बाद पहली वाली ब्रैकेट लेना है। पहली वाली ब्रैकेट के अंदर जो पहला नंबर है, पहला टर्म्स है, उसको लिखना है। पहला टर्म है m, तो m लिख दिया। उसके बाद एक ब्रैकेट बनाना है और उसके अंदर सेकंड ब्रैकेट को लिख देना है, m प्लस सिक्स। सेकेंड ब्रैकेट के जितने टर्म्स है उसके अंदर लिख देना है, ठीक है? लिख दिया। अब फिर से पहली वाली ब्रैकेट में जाओ, m को हटा दो, m क्योंकि हमने लिख चुका है, तो m अगर हट गया, क्या बच रहा है मेरे पास? माइनस फोर, वो यहाँ लिखो। फिर उसके बाद आपको सेकेंड ब्रैकेट डायरेक्ट जैसा का वैसा यहाँ पर लिखना है। आया समझ में? इस तरह से यहाँ पर आपको करना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो m है इसको ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एक एक करके। पहले m को m से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है? जब 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है? 2 का स्क्वायर हो जाता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है? 3 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है? 3 क्या होता है? 9 होता है, 6 नहीं होता है, ठीक है? इसी तरह से m को m से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2m नहीं होगा, वो क्या होगा? m स्क्वायर होगा। क्या होगा? m स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय m क्या हो जाएगा? 6m। m देखो इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला नंबर देखो, इसका हमारा काम खत्म हो गया। अब ये नंबर बच रहा, माइनस 4 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 4m। फिर इसी माइनस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है। 4 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है 24। यहाँ तक समझा है सेकंड स्टेप, ठीक है? अब आपको ये देखना है कि m पहला क्या है, m स्क्वायर। m स्क्वायर वाला और कोई टर्म है क्या? नहीं है, ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसके ऊपर, जहाँ m और m के ऊपर स्क्वायर है, तो m स्क्वायर को ऐसा ऐसा लिखना है या अकेला है। इसके बाद देखो 6m है और उसके बाद 4m है और फिर कोई भी m नहीं है, तो 6m और 4m को सॉल्व करना है। 6m माइनस 4m कितना बचेगा? 2m। 6 मैंगो माइनस 4 मैंगो तो कितना बच रहा है? 2 मैंगो, मतलब 2m। फिर उसके बाद ये दोनों का सॉल्व हो गया, अब बचा आखिरी में माइनस 24। तो हमारे पास देखो कैसा टर्म बचा, एक स्क्वायर वाला बचा, एक सिंगल m बचा और एक सिर्फ नंबर बचा। तो इस तीनों को हम लोग प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आया समझ में? इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।